फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, भारत ने मानी 193 देशों की बात, फाइनली यूक्रेन में कूदा भारत। क्या मतलब? आई डोंट नो, अभी तो न्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही तुर्की में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई भयानक प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन में हो रहे युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब सबका ध्यान एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दों को लेकर काफी सारी डिबेट और डिस्कशन की जा रही है, जिसके तहत अब कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाए, ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म किया जा सके और दोनों देश सीजफायर की तरफ आगे बढ़ें, ताकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो। हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो हम रूस को बातचीत की टेबल पर ला सके, जिससे यूक्रेन में हो रहा युद्ध खत्म हो सकता है। ऐसे में क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है और हम संयुक्त राष्ट्र में भी एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं, इसीलिए जब जर्मनी के चांसलर ओलेफ अपने भारत दौरे के लिए निकले, तो वे ये सोचकर आए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए वे जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलेफ के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी वाइड रेंज थी, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं, ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध की बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत किसी भी तरह की पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा और इससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं, ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जाने बचाई जा सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही ये चाहते थे कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे, क्योंकि ये बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचा सकता है, तो वह सिर्फ भारत ही है। ऐसे में अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर एक लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि साल 2022 में बिल्कुल एक ऐसी ही इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था जैसा इस साल अमेरिका में हुआ। यानी कि जिस तरह से अमेरिका के आसमान में एक चाइनीज सर्विलेंस बलून उड़ता और अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के फोटोज खींचता नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही एक बलून पिछले साल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नजर आया था। इस घटना के बारे में सबसे रोचक जानकारी ये थी कि जिस द्वीप पर उड़ता नजर आया था, वह असल में मलक्का स्ट्रेट के काफी पास मौजूद है, जो चीन के लिए ऊर्जा और सभी सामानों के आयात और निर्यात का एक मुख्य द्वार है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बलून का ओरिजिन भी चीन से ही हुआ होता। साथ ही जिस द्वीप पर इस घटना को रिपोर्ट किया गया, वह बंगाल की खाड़ी के काफी नजदीक है, जहां पर भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। ऐसे में जैसे ही ये बलून अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसमान में देखा गया, बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों लोग बाहर निकल कर इसकी फोटो खींचने लगे और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी। लेकिन इसके पहले कि भारतीय अथॉरिटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये बलून कहां से ओरिजिनेट हुआ और इसका क्या मकसद था, यह उड़ता हुआ समुद्र की तरफ वापस चला गया। ऐसे में अब भारतीय अधिकारी इस घटना की काफी कड़ी जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए एक मजबूत प्रोटोकॉल मौजूद हो, जिसे ध्यान में रखते हुए अगर हम भारत की शुरुआती योजनाओं को समझने की कोशिश करें, तो हम इस तरह की चीनी सर्विलेंस बलून को गिराने के लिए किसी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करने की बजाय फाइटर जेट में लगे कैनन या किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अटैच किसी हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे, जो न कि सिर्फ ऐसे खतरे का सामना करने के लिए काफी सटीक है, बल्कि काफी सस्ता भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या नहीं, अपनी राय
राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। यार ये जो इंडिया के वहाँ पे हमारे यहाँ मिला, वो कब मिला था? वो इससे पहले मिला था? वो कुछ डेट बोली, वो मैंने, मुझे समझ नहीं आई कि कब बोल रहे हैं, कि कुछ महीने पहले कि पिछले साल? लग रहा है पहले कहीं बताना भैया, अगर वीडियो आप जब देखो और आपको याद, चलिए अब एटलीस्ट पता चल गया इंडिया को। पर देखो यार, देखो आया था, फोटो लेके चला भी गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि भैया वो जब तक कुछ कर सकते थे। और ये बहुत अच्छी बात कही थी कि मिसल फेंकने की जरूरत नहीं है। हाँ। जरा से बलून के लिए इतना पैसे का बर्बाद करें। हाँ। मशीन गन जाओ, हाँ, मशीन गन से प्लेन जाए, वो प्लेन उसको करके बस काम खत्म कर दें। तो देख लो, एटलीस्ट अवेयरनेस तो एक, जब यूएसए को पता चला उससे सारे वर्ल्ड को तो पता चला। पता चला जब उड़ रहा है तो पता चलेगा। जापान ने बोला, जापान ने देखे हैं, पर किसी ने भी उसको डिस्ट्रॉय तो किया नहीं। यूएसए नहीं, इज द ओनली फर्स्ट कंट्री जिसने उसको डिस्ट्रॉय करके डिस्ट्रॉय कर, भैया तुम ला के देखो। अब एक अच्छा मैसेज का तुम सोच कर, उनको उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कब कब भेजे थे जो किसी को पता नहीं चला, और कितने टाइम से भेज रहे होंगे, पता नहीं कितने सालों से भेज के सबकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। देख लो। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इंडिया तो काफ़ी समय से कह रहा है कि शांति बेस्ट है, लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है। रशिया को भी इंडिया ने पहले भी कहा था, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, रशिया को कहा था जब बातचीत हुई थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया तो यही कह रहा है कि फायदा नहीं है, मगर रशिया अपनी करेगा और यूक्रेन अपनी करेगा। होप यही है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर सकते हैं, इंडिया से कोशिश साल हो गया कर सकता है। और एक साल में अभी न्यूज़ ये है कि पहले यूक्रेन थोड़ा जीत रहा था, थोड़ा पुश कर रहा था, मगर अब रशिया जीत रहा है। तो अभी न्यूज़ तो यही है कि रशिया बहुत तेज़ी से मतलब अपने लोगों को इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 आगे आ रहा है, तेज़ी से आगे नहीं आ रहा। मगर ये यूक्रेन वाले अब एग्री करते हैं कि रशिया जीत रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास वेपन्स ख़त्म हो गए हैं, एंड ऑफ स्टोरी उनके आगे। इसीलिए वो सबसे मांग रहा है, और सभी यूरोपियन यूनियन के जो हैं वो सब अपने वेपन्स दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन फाइट करता रहे। और तो काफ़ी कंट्रीज ने सपोर्ट दिया, मतलब ये है कि सभी यूरोपियन यूनियन और सभी अमेरिका भी यही कह रहा है कि ये लंबी वॉर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है कि 3 महीने ख़त्म होगी, 6 महीने में, मतलब लोग कह रहे हैं कि लंबी चलेगी। और इससे ऑफकोर्स यूक्रेन और रशिया दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत पैसा ज़ाया होगा। देखते हैं अभी क्या होता है, बट ये अच्छा है कि इंडिया भी कुछ कह रहा है कि हम कोई पीस ट्रीटी लाने की कोशिश करेंगे। सच्ची में थक गए हैं ये सुन सुन के, उनको दोनों को कोई समझौता कर लेना काफी चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और एस्केलेट भी हो सकती है। अगर जो वेपन्स यूरोपियन यूनियन वगैरह दे रहा है और यूक्रेन ने अगर बांध लो कुछ वेपन चला दिया और रशिया की ओरिजिनल टेरिटरी में आ गया, फिर तो बड़ा पंगा पड़ जाएगा। वही तो कह रही हूँ मैं उस, और मेरे ख्याल से अगर कुछ करवा सकता है कोई कंट्री तो वो इंडिया ही करा सकती है। और जैसे G20 की हो रही है, उसमें अगर जो बाइडेन और पुतिन को बुला के वहाँ पे उनके साथ कोई टॉक्स करवा दें, या यूक्रेन के साथ उनको भी बुला के उनसे टॉक करवा के कुछ बीच का कुछ निकाल लें, तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा था ना कि मैं कराऊंगा, ऐसे हमने कुछ न्यूज़ सुनी थी, वो सोच रहा है कि मैं करवा दूंगा। चाइना को तो देखो, चाइना इज नॉट कोई जो दोनों के बीच में एक अच्छी कर सके, क्योंकि चाइना, इंडिया इज अ गुड वन कि जो दोनों से, अमेरिका से भी है, रशिया से भी है, यूक्रेन से भी है। देखिए अभी स्पाई नेटवर्क्स बहुत ही एक्टिव हैं, और यूएस के स्पाई नेटवर्क ने पता कर लिया था कि चाइना बहुत ही जबरदस्त वेपन्स रशिया को देने वाला है। ऑपोजिट, कि चाइना अपने डेंजरस वेपन्स रशिया को अब दे रहा है। तो इमीडिएटली मेरे ख्याल से उसके बाद मीटिंग हुई है, और यूएस ने चाइना को कहा है कि ऐसा मत करना, ऐसा तुमने किया तो और एस्केलेट हो जाएगी वॉर, फिर हमें भी काउंटर करना पड़ेगा। तो कुछ गर्मा गुर्म हुई है, एग्जैक्टली बता नहीं रहे, मगर ये कह रहे हैं कि क्लियर कर दिया कि इस एक्शन के, अगर तुम रशिया को हेल्प करते हो, चाइना अगर हेल्प करता है अपने वेपन्स देकर, तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो और भी समथिंग लाइक दैट हुआ है, सुधरने की जगह और बिगड़ रही है प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं कि क्या आगे होता है। होप तो यही कर रहे हैं कि वॉर खत्म हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।